गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, सदगुरु के सानिध्य से ही हमें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ही है जो हमें जीवन में सर्वश्रेष्ठ और उचित मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं और हमें संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए ज्ञान से ओतप्रोत एक प्रेरक कथा के समान है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी पश्चिमी सभ्यता में विश्वास रखते थे और अपने पुत्र नरेंद्र दत्त के लिए भी वो पाश्चात्य शिक्षा पर ही जोर देते थे। नरेंद्र दत्त बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और अध्यात्म से भी उनका बहुत लगाव था और उनमें परमात्मा को पाने की चाह भी प्रबल थी। वो एक गुरु की तलाश में थे और उनकी तलाश स्वामी परमहंस पर जाकर समाप्त हुई। स्वामी परमहंस जी को गुरु रूप में पाकर वो अपने आप को धन्य समझने लगे। परमहंस जी के आशीर्वाद से ही इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को देखते ही समझ गए थे कि ये वही शिष्य है जिनको वो काफी समय से तलाश रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी एक शिष्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने अपने गुरु जी की जीवन पर्यंत निष्ठा और प्रेम भाव से सेवा की। अपने जीवन के अंतिम समय में परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया था। तब विवेकानंद जी ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिन रात उनकी देखभाल की। गले के कैंसर होने के कारण गुरुजी के गले से हर वक्त रक्त और मवाद बहता रहता था, जिसे देखकर कई लोगों को घृणा हो जाती थी। परंतु ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए विवेकानंद जी एक बार परमहंस जी के बिस्तर के पास रखी रक्त और मवाद से भरी उनकी थूकदानी को भी पी गए और उन्होंने सभी के समक्ष अपनी गुरु भक्ति का प्रमाण दिया। अपने गुरु के प्रति ऐसी कर्तव्य परायणता निष्ठा और समर्पण के भाव से ही उन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया और जीवन पर्यंत मानव जाति के कल्याण में लगे रहे। एक गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसकी कई शाखाएं भारत के साथ साथ अमेरिका में भी खोली। अपने देश के साथ साथ अमेरिका के भी कई विद्वानों ने उनकी शिष्यता को ग्रहण किया था। उनके आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन के कारण यूरोप और अमेरिका में भी उनके विचारों को काफी पसंद किया जाता था। ये वो समय था जब पराधीन भारत के नागरिकों को यूरोप और अमेरिका में हे दृष्टि से देखा जाता था। उस समय शिकागो के विश्व धर्म परिषद की सभा में उनके एक संबोधन मात्र से ही उन्होंने अमेरिका के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें ध्यान से सुनने लगे और उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। काफी संख्या में अमेरिका में लोग उनके अनुयायी बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान तथा भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में फैलाया और उनकी रोशनी से पूरे विश्व को प्रकाशित करते रहे। ऐसे विश्व गुरु को पाकर हमारा जीवन धन्य है और धन्य है ये धरती जहाँ ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक तथ्यों और कहानियों को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहें।